जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस टाइम पीरियड पे अपने स्टडी पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और अपने JEE का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो भी उस पर अपना फोकस कर रहे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के JEE के पेपर होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप आने वाले वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, उनको भी देख सकते हैं आप और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर क्या है, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसे है, कहां यूज में लिया जाता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर मैग फ्लो मैग मीटर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसका यूज फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए यूज में किया जाता है। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है इसका यूज ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर लो वोल्टेज ड्रॉप हो और मेंटेनेंस कम से कम रिक्वायर हो, तो वहां पर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का यूज करते हैं। फ्रेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर सिर्फ उन्हीं फ्लूइड्स के प्रेशर को या फिर उनके फ्लो को मेजर कर पाता है जिसमें जो कि आपका कंडक्टिव सब्सटेंस जिसमें होते हैं थोड़े बहुत जो कि कंडक्टिव होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर या फिर हाइड्रोकार्बन लिक्विड जो होते हैं उसमें आपका ये ट्रांसड्यूसर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर वर्क नहीं करेगा, उसके फ्लो को ये मेजर नहीं कर पाएगा। फ्रेंड जैसा कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है इसके बारे में आपको पता है, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे कि फैराडे लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उसमें एक उस कंडक्टर में आपका एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ये जो EMF इंड्यूस होता है ये टोटल डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड आपके मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी के ऊपर, साथ में उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में जो कंडक्टर होगा वो आपका वो लिक्विड ही होगा और जो यहां पे उसकी लेंथ होगी मतलब कंडक्टर की लेंथ यहां पे लिक्विड की जितने भी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो लाई करेगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहां पर इसकी इक्वेशन को हम समझ लेते हैं कि इस कंडक्टर में यानी कि जो लिक्विड है जिसका हमें फ्लो को मेजर करना है वो कैसे एक्सप्रेस की जाएगी, उसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। तो इस इक्वेशन को देखिए आप, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं यहां पर E=B मल्टीप्लाई बाई L और मल्टीप्लाई बाई B। यहां पर जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, L जो है आपके कंडक्टर की लेंथ है, यहां पे कंडक्टर आपका वही लिक्विड हो गया है जिसके फ्लो को हमने मेजर करना है, और यहां पर जो स्मॉल V है वो है आपका वॉल्यूम जो इसकी वेलोसिटी जो कंडक्टर की है वो है कितने स्पीड पे वो रोटेट कर रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। फ्रेंड आपको यहां पे इस इक्वेशन में ये भी देखने को मिल रहा है कि यहां पे जो आपकी पाइप है जिसपे आपको फ्लो को मेजर करना है और जहां पे इस पाइप के ऊपर इंस्टॉल किया गया है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, यहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर कितना फ्लो को लिक्विड को कितना डिस्चार्ज कर रहा है उसको इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में आपका दे रखा है यहां पे फाइनली आपकी वैल्यू Q=KE आ जाती है, जो कि जितना फ्लो डिस्चार्ज हो रहा है उतना ही उसमें EMF इंड्यूस होगा, जितना EMF इंड्यूस होगा हमने उसी को मेजर कर लेना है, उस हिसाब से हमें फ्लो कितना फ्लो हो रहा है उस पाइप लाइन में कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो सब हमें उस इस इक्वेशन से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड तो अब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे कि जो आपका फ्लो मीटर है वो कैसे वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम इसके इमेज को देख लेते हैं। तो चलिए इसकी इमेज कैसी है ये देखते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं यहां पर कॉइल्स को
फ्लो मीटर की आउटसाइड बॉडी पर रखा हुआ है और इन कॉइल्स पर एक्साइटेशन करंट अप्लाई किया हुआ है जिससे कि रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। फ्रेंड्स, इस फिगर में ब्लू कलर में यह फ्लोइंग लिक्विड है जो कि एज ए कंडक्टर होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहां पे ये लिक्विड ही हमारा कंडक्टर होगा जिसके कि हमें फ्लो को मेजर करना है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह फ्लो मीटर वर्क करता है, तो इस लिक्विड में अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वोल्टेज इंड्यूस होगा जो कि लिक्विड के एवरेज फ्लो के प्रोपोर्शनल में होगा। मतलब कि लिक्विड का एवरेज फ्लो जितना होगा उतना ही ये वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा। फ्रेंड्स, इस इंड्यूस वोल्टेज को सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो कि आपके फ्लो मीटर की बॉडी पर माउंट किया होता है, इस वोल्टेज को सेंस कर लेता है और आगे जाकर के ये इसे ट्रांसमीटर में सेंड कर देता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कैलकुलेट कर लेता है मीटर के वर्किंग। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसका यूज कहां पे किया जाता है, मतलब कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फ्रेंड, इसका यूज आपका फ्लूइड के फ्लो को मेजर करने के लिए किया जाता है, खास तौर से जो आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। हाई विस्कोसिटी फ्लूइड यानी कि जो गाढ़े लिक्विड होते हैं उन फ्लूइड के जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए, उसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हॉट फ्लूइड का जो फ्लो है रेट है उसको मेजर करने के लिए, आपका कोल पाउडर स्लरी है जो कि थर्मल पावर प्लांट में निकलते हैं या फिर ऐसी इंडस्ट्री जहां पर कोल पाउडर की स्लरी बनती है उसका जो फ्लो चलता है उसका फ्लो रेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से वुड इंडस्ट्रीज में वुड पल्प की स्लरी को के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया आपको, हाई विस्कोसिटी वाले आज के फ्लूइड जो है उसके फ्लो रेट को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, ये तो हो गए इसके एप्लीकेशन की, इसे कहां यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्लो मीटर का क्या एडवांटेजेस है। फ्लो मीटर का ये एडवांटेज है आपका कि जहां पे भी इसे इंस्टॉल किया जाता है ये उस लिक्विड के या उस फ्लूइड के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पैदा करता है, मतलब कि कोई अवरोध नहीं लगाता है, कोई उसके ऊपर कोई बाधा नहीं देता उसके फ्लो में। साथ में इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि प्रेशर का जो है, जो प्रेशर मेंटेन करके चला हुआ है, प्रेशर हेड से आ रहा है जो प्रेशर आपका, उसको वो मेंटेन करके चलता है। प्रेशर हेड को में जो ड्रॉपेज आता है, प्रेशर हेड से जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसमें जो ड्रॉपेज आता है वो बहुत ही कम होता है। साथ में इसका फायदा ये भी है कि आपका जो फ्लूड की डायरेक्शन अगर रिवर्स भी करते हैं आप तो भी ये आपका फ्लो के रेट को मेजर करके देगा, यानी कि ये बाय डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों डायरेक्शन में आपके फ्लूड को ये मेजर करके देगा। फ्रेंड, इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसको ऑपरेट करने के लिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें आपका कॉइल्स लगी होती हैं, ये कॉइल्स को हम एनर्जाइज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, तो हमें इसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 वॉट या 20 वॉट तक की ही होती है, तो उससे जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी कम है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए। फ्रेंड, ये तो है इसका एडवांटेज। बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि एक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये ऐसे ही फ्लूइड का फ्लो रेट को मेजर कर सकता है, उन्हीं के वॉल्यूम को मेजर कर सकता है जिसका जो कि आप जिसमें कि आपको थोड़ा सा कंडक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब कंडक्टिव सब्सटेंस होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर का या फिर हाइड्रोकार्बन जो लिक्विड्स होते हैं उनके फ्लो रेट को ये मेजर नहीं कर सकता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। साथ में आपको एक चीज और है इसका डिसएडवांटेज बताने के लिए कि जो आपका फ्लो मीटर है अगर वो स्मॉल साइज का है या फिर स्मॉल पाइप में इंस्टॉल किया गया है तो स्मॉल साइज का यूज करेंगे तो उसके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज्यादा बल्की होता है। तो फ्रेंड, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर या मैग मीटर या मैग फ्लो या वॉल्यूमेट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की बात। तो यहां पे इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गई, एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी की।